हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं UMID कार्ड स्क्रिप्ट हमारे क्यूबिकोर सर्वर में। ये एक फ्री आईडी कार्ड स्क्रिप्ट है जो हमें मिलती है क्यूबिकोर ESX एंड क्यूबॉक्स फ्रेमवर्क्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो आपको ओपन करना है ये लिंक जो आपको मिल जाएगा एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में, एंड इसको आपको रिलीजी से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कहाँ से होगा तो आप बस मेरे स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो आपको आ जाना है इस लिंक पे एंड राइट साइड में आपको रिलीजेस दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको ये zip फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो रहा है इसके अलावा आपको इसकी कुछ डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड करनी है जो है यहाँ पे oxlib एंड mugshot base। तो इन दोनों को भी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ आपके सामने एंड इसको भी मैं कर लेता हूँ। इसको करना पड़ेगा हमें यहाँ से डाउनलोड एंड यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये oxlib, इसको हमें रिलीजेस से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपको वापस इस पेज पे आ जाना है जो है हमारे UMID कार्ड का पेज, एंड यहाँ पे आपको अपना फ्रेमवर्क सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अभी दो फ्रेमवर्क्स की डॉक्यूमेंटेशन है जो कि है क्यूबिकोर एंड ESX। तो यहाँ पे मैं क्यूबिकोर में कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। एंड इसके बाद सबसे पहले हम इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उसको हमारे सर्वर में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया मेरा सर्वर एंड यहाँ पर मैं ओपन करूँगा क्यूबिकोर फ्रेमवर्क रिसोर्सेज एंड यहाँ पर ही मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके सो इसके अंदर भी एक फोल्डर है, सो इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट, इसको कर देता हूँ डिलीट। इसके बाद आ जाती है हमारी oxlib, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे। एक बार ओपन करके देख लेना कि इसके अंदर कोई और फोल्डर ना हो और इसको क्लोज कर देना। इसके बाद हमारी आईडी कार्ड स्क्रिप्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कुछ ऐसे, और एक बार इसको भी ओपन करके आप देख लेना। सो यहाँ पे ये था इसको एक्सट्रैक्ट करने का पार्ट। अब आ जाता है हमारा कुछ चेंजेस करने का पार्ट जो हमारे क्यूबिकोर के कोड में होगा। अब ये क्यों करना है वो सभी मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे बताऊंगा। सो इस लिंक पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी अपने क्यूबिकोर के कोड में एंड कुछ चीज़ें आपको रिमूव करनी पड़ेगी। सो वन बाय वन हम करते हैं। तो सबसे आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है जो आपको लेके आ जाएगा कुछ इधर, एंड यहाँ पे आपको बता देगा कि आपको ये चीज़ डिलीट करनी है। तो हम भी वहीं पे चलते हैं एंड पास आपको यहीं पे ऊपर दिख जाएगा जो है क्यूबिकोर इन्वेंट्री में जाके मेन सर्वर एंड देन मेन डॉट लुआ। तो मैं भी वहीं पे चलता हूँ। तो ये आ गया हमारा क्यूबी, इसके बाद आ जाएंगे हम नीचे क्यूबी इन्वेंट्री पे कुछ यहाँ पे, देन सर्वर एंड मेन डॉट लुआ। एंड इसके बाद मेरे को बस सर्च करना है ड्राइवर लाइसेंस जो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दो यूजेबल आइटम क्रिएट कर रही हैं। अब यूजेबल आइटम क्या हो रही है कि जैसे ही हम इस आइटम को ड्रैग करते हैं हमारी इन्वेंट्री में, हम इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद ये क्या करेंगी वो सब इस कोड के अंदर डिफाइंड है। तो हमें इन दोनों को रिमूव कर देना है बिकॉज हमारे जो नई स्क्रिप्ट है उसके अंदर इनका न्यू कोड ऑलरेडी डिफाइंड है कि जब हम इन आइटम्स को यूज़ करेंगे तो वो कैसे एक्ट करेंगी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको रिमूव एंड इसको मैंने कर दिया यहाँ पर सेव। इसके बाद वापस चलते हैं हम पीछे यहाँ पे आ जाते हैं एंड अब हमें देखना क्या करना है। सो अब इसने बोला है कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड और रिप्लेस करनी है। ये दो स्टेप मैंने कर लिए थे, इन दोनों में वही था रिमूव करने वाला पार्ट एंड यहाँ पे है रिप्लेस करने वाला पार्ट। सो अब यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बस सर्च करना है आईडी कार्ड फिर से जो होगा आईडी अंडरस्कोर कार्ड, यहाँ पर मेरे को ये दिख गया। एंड अब मेरे को इतना पार्ट डिलीट करना है कुछ ऐसी, एंड इसके बाद मेरे को करना है इतने पार्ट को कॉपी एंड इधर पेस्ट कुछ ऐसे। सो आप ये ध्यान से रखना बिकॉज यहाँ पे थोड़ा भी बहुत भी गड़बड़ हो गई तो हमारी स्क्रिप्ट जो है रन नहीं करेगी, हमारा सर्वर ही शायद वर्क ना करे। सो इसको आपने जैसे चेंज कर लिया अब आपको इसको बस सेव कर लेना है। इतना होने के बाद अब हम चलते हैं आगे। सो इसको आपको क्लोज कर लेना है एंड वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है। सो यहाँ पे मैंने ये सब कर लिया है, अब बचा ये वाला पार्ट। सो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी क्यूबी इन्वेंट्री की JS फाइल है, इसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो भी मैं कर लेता हूँ। ये क्यूबी इन्वेंट्री के अंदर ही थे हम, तो आपको ओपन करना है HTML JS एंड देन app.js, इसको आपको VS कोड में ओपन करना है। इसके बाद आपको सर्च करना है या आपको लाइन नंबर 402 पे आ जाना है। तो मैं ऐसे ही आ जाता हूँ स्क्रॉल करके, वो हमें मिलेगी कुछ यहाँ पे, एंड जो जेंडर प्लस है इसको रिप्लेस करके हमें कर देना है item.info कुछ ये वाला ऐसे।
इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें आ जाना है 435 पे। 435 हमें मिल जाएगा कुछ यहाँ पे, और इसको रिप्लेस कर देना है हमें इससे कुछ ऐसे। इतना होने के बाद हमें चलना है आगे, एंड अब हमें जाना है क्यूबी मल्टी कैरेक्टर स्क्रिप्ट पे। सो वहां पे भी चल लेते हैं हम क्यूबी मल्टी कैरेक्टर, यहाँ पे आ गया मैं। एंड इसके बाद हमें जाना है मेन, एंड देन मेन डॉट लुआ सर्वर फाइल में, सर्वर फोल्डर में, और इधर आ जाना है लाइन 120 पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पर अगर आपको समझना है तो इसको ओपन करके भी आप आ सकते हो। अब यहाँ पे कॉल हो रहा है गिव स्टार्टर आइटम, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक कॉल हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी सेम कॉल जा रहा है गिव स्टार्टर आइटम को। सो अब ये क्या है, ये है एक फंक्शन, एंड उसके अंदर हम पास कर रहे हैं सोर्स, जो है यूज़र सोर्स। इसको मैं अगर कंट्रोल एफ करूँ तो इसका जो मीनिंग है, इस फंक्शन का एक, हर फंक्शन का एक मीनिंग होता है, वो भी यहीं पर डिफाइंड किया गया है। सो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा आपके यहाँ पर दिख जाएगा ये क्या करेगा, जो है ये इसको वैल्यूज़ देगा यहाँ पे आपके सामने। सो हमें इसको भी रिमूव कर देना है, एंड यहाँ पे हमें चेंज कर देना है यहाँ पे इसके एक्सपोर्ट से। सो आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये है एक्सपोर्ट्स, इसको मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये एक्सपोर्ट्स भी सेम काम करेंगे। अब एक्सपोर्ट्स क्या कर रहा है, यहाँ पे है क्रिएट मेटा लाइसेंस, मतलब जैसे ही ये कॉल होगा यहाँ पे जो भी आपके प्लेयर की इंफॉर्मेशन है उसका जो सारा मेटा डेटा है वो आपके SQL में चला जाएगा, आपके डेटाबेस में चला जाएगा, प्लेयर डेटाबेस में। सो ये इतना काम करेगा। एंड अब हम चलते हैं आगे, इतना हमने कर लिया, अब चलते हैं आगे। अब हमें जाना है क्यूबी सिटी हॉल पे। ये आ गया क्यूबी, एंड देन सिटी हॉल सर्वर मेन डॉट लुआ, और इधर आके हमें इस फंक्शन में चेंजेस करने हैं जो है गिव स्टार्टर आइटम्स, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेरे को ये पूरा फंक्शन ही रिप्लेस करना है कुछ ऐसे। अब और आगे चलते हैं, एंड ये फाइनल चीज़ है जो है रिक्वेस्ट आईडी। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। सो ये रिक्वेस्ट आईडी वाला इवेंट है, हमें इसको रिप्लेस कर देना है इस इवेंट से कुछ ऐसे। सो ये थी दोस्तों हमारी इंस्टॉलेशन, एंड ये आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी हो तो इस वीडियो को आप स्लोली देख सकते हो एंड इसको फॉलो कर सकते हो। सो हमारे इतने काम था। अब हमें क्या करना है, हमें आना है हमारे सर्वर CFG में, एंड जो हमारी 3 स्क्रिप्ट्स थी इनको इंश्योर कर लेना है वन बाय वन। आप इनको एक फोल्डर में भी रख के कर सकते हो, नहीं तो वन बाय वन भी कर सकते हो। इंश्योर ऑक्सलिब, इंश्योर मगशॉट बेस, एंड इंश्योर UMID कार्ड, एंड यहाँ पे हमारी सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमें सेव करना है एंड सर्वर को रीस्टार्ट करना है, एंड मैं मिलता हूँ आपको हमारे सर्वर के अंदर जाके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट, एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हमारे सर्वर के अंदर, एंड अब मेरे को क्या करना है, मेरे को स्पॉन करना है आईडी कार्ड। अगर आपके पास पहले से आईडी कार्ड हो तो वो शायद वर्क ना करे, बिकॉज यहाँ पे उसके अंदर पुराना डेटा स्टोर्ड होगा, एंड यहाँ पे इसको वापस नया डेटा चाहिए इसके हिसाब से। सो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पॉन करूँगा आइटम, जो कि होगी गिव आइटम से, गिव आइटम आईडी 1 आईडी अंडरस्कोर कार्ड अमाउंट 1, एंड यहाँ पे मैंने अपने आप को गिव आईडी कर दी है, एंड अब मैं इसको करूँगा यूज़। तो आप टैब पे जाइए एंड यहाँ पे यूज़ कीजिए। फर्स्ट टाइम में ये ओपन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी पिक्चर क्लिक करेगा एंड इसका डेटा जो है स्टोर होगा। इसके बाद आपको फिर से इसको यूज़ करना है एक बार, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये आईडी कार्ड यूज़ हो चुका है कुछ ऐसे। यहाँ पे सेम है आपके ड्राइवर लाइसेंस के लिए भी।
सो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। एंड अगर आपकी स्क्रीन पे आईडी कार्ड यहाँ से अटक जाए तो आपको बस बैकस्पेस पे प्रेस करना है एंड ये रिमूव हो जाएगा। सो मैं एक बार ड्राइवर लाइसेंस भी स्पॉन कर लेता हूँ। गिव आइटम आईडी 1 ड्राइवर अंडरस्कोर लाइसेंस अमाउंट 1। यहाँ पे सेम प्रोसेस 2 प्रेस किया, फर्स्ट टाइम में नहीं होगा एंड इसके बाद मैं फिर से प्रेस करूँगा, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो ये थी दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन एंड अभी आप ये वीडियो छोड़ के मत जाइए बिकॉज यहाँ पे एक और एड ऑन भी है इस स्क्रिप्ट का। सो उसके लिए वापस हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे। सो मैं आ चुका हूँ वापस इसकी वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 4 आईडी कार्ड दिखाए गए हैं जो है आइडेंटिटी, ड्राइवर लाइसेंस, लॉयर पास और वेपन लाइसेंस। बट इसके अलावा अगर आपको कोई लाइसेंस बनाना हो, फॉर एग्जांपल हंटिंग लाइसेंस, तो वो आप कैसे कर सकते हो? सो इस स्क्रिप्ट में हमें बहुत ज़्यादा ईजी मेथड दिया गया है जो है आप इसकी वेबसाइट से कर सकते हो डायरेक्टली, जो कि होगा ये पेज। आपको ये जो लिंक है यहीं पर मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको बस क्या करना है, आपको लिखना है हंटिंग लाइसेंस, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो यहीं से, इसका फ्लैग चेंज कर सकते हो यहीं से। तो यहाँ पे फ्लैग का कोड होगा तो वो होगा कुछ हमारे इंडिया का IN है, सो मैंने यहाँ पे इंडिया कर दिया एंड ये यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िग जनरेट कर देगा। सो अब आपको क्या करना है, आपको हर एक फाइल में जाना है एंड इसके हिसाब से चेंजेस करने हैं। अब हंटिंग लाइसेंस एक न्यू आइटम है तो आपको इसको, इस आइटम को ऐड भी करना पड़ेगा, वो सब भी आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से दे रखा है कि आपको कैसे कैसे कहाँ पे क्या करना है। एंड लास्ट में आपको इसके एक्सपोर्ट्स को यूज़ करना है। अब ये एक्सपोर्ट्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सिटी हॉल में, या फिर आप इसको गिव आइटम से कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए एक अलग से प्लेयर खड़ा कर सकते हो एंड उस पर अगर कोई थर्ड आई करता है तो वो आपको ये आईडी कार्ड जनरेट करके दे देगा। आप ये सब भी कर सकते हो इस स्क्रिप्ट में। सो कैसी लगी आपको ये स्क्रिप्ट, आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको कोई सजेशन हो मेरे फ्यूचर वीडियोस के लिए, सो प्लीज़ आप कमेंट कर देना एंड मैं इस बारी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आप सबकी विशेज फुलफ़िल कर पाऊँगा एंड रोज़ वीडियोस पोस्ट कर पाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहां पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।